अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। लोक आस्था का महापर्व छठ। आपको बता दें कि जहां बिहार तो वहीं संपूर्ण देश और विदेश में भी इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। नीति, संस्कृति, परिवार को जोड़ती यह महापर्व बेहद खास है। लेकिन इन सब के बीच जब बात पुलिस की सेवा की आती है, कर्तव्य और धर्म की आती है, तब कर्तव्य सर्वप्रथम हो जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। बिहार पुलिस ने जब हमारे संवाददाता के पूछने पर कहा कि घर में पूजा है, आस्था का यह महापर्व हमारे घर भी मनता है, लेकिन लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो इसलिए कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए अपनी ड्यूटी पर तैनात है। क्या कुछ हमारे संवाददाता के पूछने पर उन्होंने कहा, देखिए। पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोग बैठे हुए हैं, सर यहाँ पे आप लोग का जो विधि व्यवस्था जो किए हुए हैं, कैसे किए हुए हैं, क्या विधि व्यवस्था में क्या सुरक्षा का इंतजाम दे रहे हैं? सुरक्षा का दृष्टि में तो आपको दृष्टिगोचर हो रहा है कि देखिए वहाँ भी पुलिस है और कुछ कुछ पुलिस है जो जिला प्रशासन द्वारा सादे लिबास में भी है कि जो भी असामाजिक तत्व है कि अगर कुछ भी व्यवधान पैदा करेंगे तो उनको हम लोग तुरंत माने कार्रवाई करके जो भी विधि सम्मत होगा हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसके लिए पूरी तरह से जिला प्रशासन सतर्क है और हम लोग लगे हुए हैं इसी काम से कि इस पावन पर्व को सही ढंग से संपन्न करा सके। लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व है जी, और जी आप लोग यहाँ पे पूरी तरह से अपनी विधि व्यवस्था को बनाए हुए रखे हुए किसी तरह का हादसा ना हो जाए, आप लोग आज यहाँ पे जो अपना योगदान दे रहे हैं इसके बारे में बताइए। छठ तो मेरी माँ भी करती है, इनके भी है, सारे परिवार में होती है, बिहार के सारे परिवार में होते हैं। लेकिन अब जब हम लोग सरकारी सेवक हैं तो हम लोग का प्रथम कर्तव्य है कि अपना जो भी है ड्यूटी का निर्वहन करें और ये जितने तमाम पब्लिक है अगर इन लोग का अगर सही ढंग से पर्व मन जाए तो हम लोग का यही प्रसाद है, हम लोग का यही है शांति रहता है कि शांतिपूर्व कोई भी पर्व हिंदू या मुस्लिम हो या किसी धर्म का हो शांतिपूर्व संपन्न हो जाए, यही हम लोग की कामना रहती है। जैसा कि देख रहे हैं कि विनय सर हैं और विनय सर से मेरी बात हुई, इन्होंने कहा कि पहले मेरा कर्तव्य है आप लोगों को यहाँ पे जो भी छठ व्रती है उसको सुरक्षा देना। मेरा पर्व कैसे होगा, कहाँ होगा, इसके लिए तो घर परिवार के लोग हैं ही, लेकिन मैं सबसे पहले गवर्नमेंट के द्वारा मुजफ्फरपुर सरकार के द्वारा यहाँ पे लोगों की सुरक्षा प्रदान करना। मैं राजन वैश्य अनुभवी आंखें मोहम्मद कैब के साथ मुजफ्फरपुर। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि हम अभी श्री घाट में हैं और यहाँ पे काफी संख्या में छठव्रती लोग पहुंचे हुए हैं और संध्या अर्घ के लिए सब लोग पूजा पाठ में लगे हुए हैं और मैं यहाँ पे नदी का गहराई जो है काफी नदी लबालब पोजीशन में है और यहाँ पे व्रती लोग काफी संख्या में पहुंची हुई है और ये नमामि गंगे परियोजना के तहत ये घाट बना हुआ है और इस घाट का सबसे बड़ा खासियत है कि यहाँ पे छठ व्रती काफी हर्षोल्लास के साथ इस बार लॉकडाउन कोरोना काल के बाद ये पहुंची हुई है। मैं राजन अनुभवी आके मुजफ्फरपुर। नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को भी देखा जा रहा है और यहाँ पे छठ व्रती लोग भगवान सूर्य का संध्या अर्घ भी दे रहे हैं जिसमें सभी लोग पूजा पाठ में लीन हैं और यहाँ पे देखा भी जा रहा है और यहाँ पे थोड़ा कैमरा उधर ही करिए तो हम लोग देख रहे हैं छठ व्रती लोग डुबकी लगा रहे हैं और भगवान सूर्य भगवान का पूजा में पूर्ण रूप से लीन है। लोक आस्था का महापर्व जहाँ बाहर से लोग आकर पूजा पाठ में लीन होते हैं जो कि स्पष्ट देखा जा रहा है, यहाँ पे जो भी भक्त जन है जो भी श्रद्धालु हैं यहाँ पे काफी संख्या में इकट्ठा है, मौजूद है और पूजा पाठ में लीन है। इनका स्पष्ट कहना है कि हम लोग अपने ड्यूटी में लगे हुए हैं कि ताकि कोई बांस का जो दायरा दिया हुआ है नगर निगम प्रशासन के द्वारा वो दायरा के बाहर कोई लोग नहीं आवे जिसके वजह से कोई किसी हादसा का सामना करना पड़े और ये लोग अपनी बेखूबी ड्यूटी निभा रहे हैं। मैं राजन मोहम्मद कैब के साथ अनुभवी आंखें मुजफ्फरपुर। डिपार्टमेंट भी अपना काफी बढ़िया रोल अदा कर रही है। मैम आप बताइए आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सरिता कुमारी है।
आप यहाँ पे जो आई हैं ड्यूटी में जो लगी हुई हैं, कैसे ड्यूटी को संभाल रही हैं? ड्यूटी पे हम लोग लगे हुए, हमारी चारों तरफ फोर्स तैनात है और जहाँ भी विधि व्यवस्था की कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग पूरी निगरानी रखे हुए हैं कि छठ व्रतियों को जो भी यहाँ आए हैं वो अपना छठ व्रत अच्छे से संपन्न कर ले, उनको यहाँ कोई तकलीफ नहीं हो और हमारी फोर्स लगी हुई है। अगर और भी फोर्स की जरूरत पड़ेगी तो हमारे डिपार्टमेंट फोर्स। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन आपसे और पूछना हम चाहेंगे, अभी आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, आप लोग के घर में भी छठ पूजा होता है, फिर इसको कैसे आप देख रही हैं और आपको ड्यूटी में लगा दिया गया है, इसको कैसे देख रही हैं? ये मेरा कर्तव्य है और ये मेरा फर्ज है, सबसे पहले मेरा फर्ज है कि अपने ड्यूटी के प्रति हम संवेदनशील रहे और मेरी ड्यूटी पहली प्राथमिकता यही होती है कि अपनी ड्यूटी को निभाना, बाद में घर परिवार। जैसा कि देख रहे हैं मैम का स्पष्ट कहना है कि मैं पहले मेरा कर्तव्य है उसके बाद मैं पूजा पाठ है, मैं कर्तव्य के पीछे सारी चीज को भूल जाऊंगा, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मैं अपने कर्तव्य को दूंगा। आप मैम बताइए आपका क्या नाम हुआ? बबीता कुमारी। आज आप लोग यहाँ पे जो मैम के साथ ड्यूटी में लगे हुए, कैसे आप लोग संभाल रही है, क्या अच्छे से संभाल रही हूँ? अच्छे से संभाल रही हूँ अपना ड्यूटी। चलिए, मुजफ्फरपुर आश्रम घाट में छठ पूजा के तमाम छठ व्रती के साथ पुलिस डिपार्टमेंट भी अपना रोल बेखूबी अदा कर रही है। मैं राजन, अनुभवी आंखें, मुजफ्फरपुर। आपको बता दें कि यह पर्व बेहद खास है, सभी पुलिस अधिकारी भी अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए किसी अप्रिय घटना को घटित न हो इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था में लगे हुए हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस अपनी सेवा के लिए और किसी भी व्रती को किसी भी परेशानी न हो इसके लिए तत्पर है। आपको बता दें कि छठ महापर्व है, लोक आस्था के महापर्व पर लोग डूबते सूर्य को जल में डुबकी लगाकर अर्घ देते हैं और उगते सूरज को भी, ऐसे में किसी हादसा के होने की भी संभावना बढ़ जाती है और तब पुलिस की भूमिका का महत्व भी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार तमाम प्रयास और चाक चौबंद व्यवस्था के बीच यह पर्व किस तरह खुशियों भरा संपन्न होता है। मुजफ्फरपुर से मोहम्मद कैफ के साथ राजन कुमार की रिपोर्ट।